फ्लैश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उड़ीसा के दिंगा पहाड़ी से एनडीपीएस एक्ट के मामले में घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी आलोक कुमार ने बुधवार की दोपहर 2 बजे मीडिया को जानकारी दी के एनडीपीएस एक्ट में घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है उड़ीसा के डिंगा पहाड़ी से। आगे डीसीपी ने बताया कि आरोपी 2021 से वांछित चल रहा था, जो कि दिल्ली एनसीआर में व उड़ीसा से गांजा लेकर आता था और सप्लाई करता था, जिसमें दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया था एनडीपीएस के तहत और आरोपी फरार चल रहा था, जिसको कोर्ट ने 2021 में आरोपी को घोषित करार दे दिया था। आरोपी के बारे में अक्टूबर में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी उड़ीसा में देखा गया है। तब से लेकर अब तक पुलिस टीम निगरानी बनाई हुई थी उड़ीसा में और आखिरकार 15 जनवरी को एक फिर गुप्त सूचना मिली कि आरोपी उड़ीसा के डिंगा पहाड़ी में देखा गया है, जिसके बाद पुलिस टीम फिर से पहुंची उड़ीसा के डिंगा पहाड़ी में, जहां जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को उड़ीसा की अदालत में पेश करके दिल्ली लाया गया, जहां दिल्ली की कोर्ट में आरोपी को पेश किया, जहां 4 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई पूछताछ के लिए। आगे डीसीपी ने यह भी बताया कि आरोपी को पकड़वाने के लिए 50,000 रुपए का दिल्ली पुलिस द्वारा इनाम रखा गया था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम डीसीपी ने बताया बड़ा कुलू लूडू और सुशांत आरोपी का नाम है, जिसे की जा रही है पूछताछ।